शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुतालिया मज़ाहब के सिलसिला में हिंदुइज़्म का मुतालिया जारी है, तो आज उनकी जो तसलीस है, जैसे वो त्रिमूर्ति कहते हैं और अंग्रेज़ी में जिसको ट्रिनिटी कहते हैं, उसके तीसरे रुकन शिवा का तारफ आपको पेश किया जाएगा। शिवा हिंदू त्रिमूर्ति का तीसरा शख्स है, यानी उनका तीसरा खुदा है। पहला ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा शिवा। ब्रह्मा तख्लीक करने वाला है और विष्णु तहफ़ुज़ात फराहम करने वाला है, सस्टेनर, इस कायनात का बचाने वाला, पालने वाला। तो ज़रूरत महसूस हुई कि निज़ाम को मुकम्मल करने के लिए एक खुदाए मर्ग भी होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जैसा कि हम देखते हैं ज़वाल पज़ीर है, फना होने वाली है। चुनाचे तबाहकारी को शिवा का खसूसी फरीज़ा समझा जाता है। एक बात ये जहन में रहे कि हिंदुइज़्म के मुताबिक मौत फना हो जाने का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की शक्ल तब्दील होने का नाम है। वो कहते हैं कि रूह अपने आमाल के मुताबिक किसी और रूप में इस दुनिया में वापस आ जाती है। अगर उसके आमाल अच्छे होंगे तो वो आदमी किसी अच्छे घराने में पैदा होगा, किसी अच्छे ख़ानदान में पैदा होगा, किसी अच्छी पोजीशन पर आएगा। लेकिन अगर उसके अमाल दुरुस्त ना हुए, बुरे अमाल वाला हुआ, तो वो किसी बुरे जानवर की शक्ल में दोबारा जन्म लेगा। तो ज़िंदगी की शक्ल तब्दील होने हो जाने का नाम उनके यहाँ मौत है, ख़त्म हो जाने का नाम मौत नहीं है। तो जो शिवा है, इसका जो नाम का मतलब है वो है रोशन, मसरूर, खुश, खिदमत गुज़ार। तो वो कहते हैं कि ये शिवा जो है दरअसल सर्विस करता है मखलूक की, उसकी खिदमत करता है कि उसकी एक शक्ल को दूसरी शक्ल तब्दील करने में मदद देता है, उसका बायस बनता है। शिवा जो है, अगरचे अब उनकी तसलीस का तीसरा रुकन है, लेकिन इससे पहले जो वेद हैं उसमें उसका नाम नहीं आया। उसको देव नाम उसका आया, उसको देवता की हैसियत से उसका नाम नहीं आया, उसको देवता की हैसियत से उन्होंने पेश नहीं किया। लेकिन जब बाद में उसको अहमियत हासिल हो गई तो लोगों ने पूछा कि इसका नाम तो बतौर देवता आया ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये वेदों का रुद्रा है। रुद्रा कहते हैं रोने वाले को, कहते हैं कि जब ये पैदा हुआ था, इसने जन्म लिया तो ये रोने लगा, तो इसका नाम उसने रुद्रा रखा, रोने वाला। तो दूसरा वो कहते हैं कि रुद्रा जो है ये अग्नि देवता, जो आग है ये भी उनका देवता है। तो वो कहते हैं कि रुद्रा अग्नि ही का नाम है। तो उनका ये शिवा का जो जिक्र है वेदों में, वो चूँकि बतौर देवता नहीं आया था, लिहाजा उन्होंने कहा ये वेदों का रुद्रा है। तो अब जो रुद्रा की पैदाइश जो है, उसके अहवाल में उसे और अग्नि देवता को एक माना गया है उनकी किताबों के मुताबिक। वो कहते हैं कि अग्नि जो है ये मौजूदात का आका, मालिक और कुनबादार था। आप अगर कोई साहब गांव के रहने वाले हैं तो उन्होंने एक लफ्ज सुना होगा प्रजापति या प्रजापत। तो प्रजापत का मतलब है आका, मालिक। अब जो है गांव में प्रजापत कुमारों को कहते हैं, लेकिन असल में प्रजापत आका और मालिक के मानों में है। और अग्नि देवता जो है उसको प्रजापत कहा जाता है। उसकी बीवी है, उसका नाम है उषा। उषा लफ्ज़ का मतलब तुलू सहर, मतलब सुबह का तुलू होना। वो उसकी बीवी थी। तो एक साल में उनका एक बेटा हुआ, शादी के बाद एक साल के बाद, मतलब देवी और देवता जब इकट्ठे हुए तो एक साल बाद एक बेटा हुआ। तो बेटा रोने लगा, तो प्रजापति ने उसे कहा, अग्नि देवता ने उसे कहा कि लड़के तुम क्यों रोते हो, तुम तो बड़ी मशक्क़त और रियाजत के बाद पैदा हुए हो। तो लड़के ने जवाब दिया कि मेरी बुराई मुझसे दूर नहीं की गई। अब यहाँ से आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि ईसाइयों का मौरूसी गुनाह, वो कहते हैं कि जो गुनाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त के पास जाकर किया था, अल्लाह ताला ने मना किया था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना, वो चले गए। तो वो गुनाह जो है वो नस्ल दर नस्ल आदमी में विरासत में चला आ रहा है, उसको कहते हैं मौरूसी गुनाह, पैदाइशी गुनाह, ओरिजिनल सिन। तो ये तसव्वुर भी यही हिंदुइज्म से आया है। अब उसने कहा कि मेरी बुराई मुझसे दूर, हालांकि जो बच्चा पैदा हुआ उसके साथ क्या बुराई है, वो तो भी मासूम बच्चा है।
जो पहली दफ़ा दुनिया में आया है, तो उसके साथ क्या बुराई है, उसका क्या गुनाह है? तो उसने कहा कि मेरी बुराई मुझसे दूर नहीं गई, हिंदुआना तसव्वुर। मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि हिंदुज़म ऐसा मुअस्सर मज़हब है कि इसने पूरी दुनिया के मज़ाहब पर असर डाला, दूर दराज के मुल्कों तक इसका असर गया है। ये बहुत पुराना मज़हब है, इसने बहुत से मज़ाहब वैसे ही खा लिए हैं, लेकिन इससे सिर्फ इस्लाम बचा है। और इस्लाम के बचने की मेन वजह उसके दलायल और जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, जिस वजह से उनको बुरा जाना जाता है, वही इस्लाम की मजबूती और बचने का बायस है। वो है रोक टोक, क्योंकि वो देखते हैं किसी को, उसको कह देते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं। जो हिंदुइज्म है और जो मुशरकाना मज़ाहब हैं, उनमें मुफाहमत पाई जाती है। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो कोई कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है, लेकिन इस्लाम जो है और इसकी तालीमात जो हैं, इसमें अमर बिल मारूफ है और नहीं अनिल मुनकर है, तो वो उसको रोक देता है कि बस भाई ये काम गलत है, ये आप ना करें। इसी वजह से उलमा को, मजहबी रहनुमाओं को लोग अच्छा नहीं जानते, सूफिया को अच्छा जानते हैं, क्योंकि वो रोकते नहीं हैं। तो इसने कहा कि मेरी बुराई मुझसे दूर नहीं की गई, मतलब जो मेरा गुनाह था मेरे साथ ही पैदा हुआ, वो मुझसे दूर नहीं हुआ, मैं इसलिए रो रहा हूँ। और दूसरा ये कि मुझे नाम भी नहीं दिया गया। तो उसने प्रजापति ने कहा कि तुम रुद्रा हो, रोने वाले हो। रुद्र रा, रा दाल रा अलफ रुद्रा। तो ये नाम मिलते ही वो अग्नि की सूरत बन गया, अग्नि देवता की सूरत वो बन गया। वो रुद्रा था क्योंकि वो रोया था, इसलिए उसका नाम। इसके जो हालात हैं उनकी किताबों के मुताबिक, उनको सिस्टमेटिक तरीके से मरबूत अंदाज से पेश करना मुमकिन नहीं। ना उसके उहदे को पूरी तरह वाज़े किया गया, ना उसके फ़राइज़ को पूरी तरह वाज़े किया गया है, और उसकी पैदाइश, ज़िंदगी, मौत वगैरह के हालात का आलम भी तफसील से नहीं है। जो जो किसी के जहन में आया, जितने पुराने 18 पुराने, तो उन पुरानों में जो जो किसी के जहन में आया, जो जो किसी ने मुनासिब समझा, जो उसने अपने देवता की शान के लायक समझा, वो उसने अपना वो उसके हाल में लिख दिया। अगरचे शिवा कई दफ़ा दुनिया में इंसानी सूरत में भी ज़ाहिर हुआ है, और अक्सर औकात अपने पसंदीदा शहर बनारस में भी रहायश पजीर रहा है, लेकिन उसका आसमानी घर कोहे हिमालया में कैलाश पहाड़ पर था। इसलिए शहर जो बनारस है उसको बहुत मुकद्दस समझा जाता है कि वहाँ पर खुदा खुद रहायश पजीर रहा। रामायण जो है उसके मुताबिक रुद्रा ने दक्षा एक आदमी था, उसकी बेटी उमा से शादी की। ये वही उमा है कि जितने इसके जन्म हुए हैं शिवा के, जितनी दफ़ा इसने सूरत इंसानी में इस दुनिया में वो आया है, तो उतनी दफ़ा ही ये उसकी बीवी के रूप में उसके साथ आई है। और इसके मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ नाम हैं, उमा है, पार्वती है, दुर्गा है, काली है, तो ये सारे उस एक औरत के नाम हैं जो उसकी बीवी थी। तो ये जो शिवा है, इसने जब समुंदर को मदानी के तरह बुलाया गया, तो उसमें से जो अमृत निकला था और उसके साथ जहर का एक प्याला भी निकला था, तो उस जहर को इसने पी लिया था, और उस जहर के असर से इसकी गर्दन नीली हो गई थी। इस वजह से इसका नाम एक नीलकंठ भी है। आपने परिंदे का नाम सुना होगा नीलकंठ, नीली गर्दन वाला, तो इसका मतलब यह है कि नीली गर्दन वाला, इसने जहर का प्याला वो पी लिया था। तो ये जो उमा है, ये अपने खामद के साथ कैलाश वाले घर में बैठी हुई थी, पर्वत जो कैलाश है पहाड़, उस पर ये बैठे हुए थे मियाँ बीवी। तो उसने देखा कि देवता रथों में बैठकर, रथ होती है एक बैल की गाड़ी, जो जानवर भगाए जाते हैं, दौड़े लगवाई जाती हैं जानवरों की, बैलों की, उसमें एक गाड़ी में छोटी सी गाड़ी होती है, उसमें एक ही बैल होता है, तो उसको कहते हैं रथ। बैल भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है। तो देखा कि रथों में बैठकर देवता कहीं जा रहे हैं। अब देखते जाएं आप कि खुदा तीसरा है, बराबर का खुदा है त्रिमूर्ति में, लेकिन उसको ये इलम नहीं कि जा कहाँ रहे हैं, मतलब इल्म की कमी। तो जो मैं बार बार आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ इस तरफ कि तमाम मज़ाहब में जो उसकी सच्चाई की दलील है, वो इब्तदा यहाँ से होगी कि उससे हम कहेंगे कि मोहतरम आप अपना तसव्वुर खुदा बताएं कि आप खुदा को किन सिफात का मालिक मानते हैं। जो खुदा इस्लाम जिसका तारफ करवाता है, वो खुदा हय्युन कय्यूम, इलम में कामल, उसमें कोई कमी नहीं, उसको किसी से दरियाफ्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये क्या हो रहा है, उसको सब पता होता है। तो ये खुदा जो है वो बैठा हुआ था बीवी के साथ, तो उसने उससे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। उनका भाई आपके ससुर की दावत पर जा रहे हैं। उसके यार हमें तो बुलाया नहीं। इस बात से ये नाराज़ हो गए,
इस बात से या नाराज़ हो गए, वहाँ चला गया, ससुर ने उठ के इसको सलाम, इसके सलाम का जवाब तक ना दिया अच्छी तरह से, तो ये नाराज़ है। वहाँ पर इनकी हुई लड़ाई और उसके बाद एक दूसरे को जो इन्होंने कहा कि उसने कहा इसके ससुर ने कि तू अशिवा है, क्योंकि शिवा का एक माना नेक और मुबारक भी है, तो उसने कहा तू अशिवा है अलफ़ के साथ, कि तू नामुबारक है यानी मनहूस है, तू पागल है, तू मक्कार है, तू मगलूबुल गज़ब शख्स है, तो ये और साथ ही उसने ये भी बददुआ कि तू देवताओं में हमेशा कामता रहेगा। तो ये बददुआ देकर इसका ससुर चला गया। तो वहाँ पर फिर इनकी लड़ाई हुई और इसने जो पुजारी थे उन्होंने इसके पुजारियों को भी बददुआ दे दी, तो ये सिलसिला इनका चलता रहा। तो ये है इनके खुदाओं की सूरत हालात, जिसके मुकाबले में जो इस्लाम जिस खुदा का तारुफ करवाता है उसमें कोई ऐब कोई कमी नहीं है कि जिसकी तरफ कोई उंगली उठा सके कि इस वजह से मैं इस खुदा को नहीं मानता। और वो कहते हैं कि जब वो लड़ाई हुई तो फिर इसने सारे वो इंतजाम ही इसने तलपट कर दिए शिवा ने, और वहाँ पर जनाब वो कुर्बानी जो थी उसने एक हिरण की सूरत इख्तियार कर ली, वो आसमानों पर चढ़ गई, उसके माथे शिवा ने आसमान तक उसका ताकुब किया, शिवा के माथे से पानी का एक कतरा, पसीने का एक कतरा ज़मीन पर गिरा जिससे आग भड़क उठी और उस आग से बुखार पैदा हुआ। ये जो बीमारी है ना बुखार, वो कहते हैं कि उस कतरे से जो आग पैदा हुई उससे ये बुखार पैदा हुआ जिसने कुर्बानी के लिए तैयार की गई तमाम चीज़ों को जला डाला। अब ब्रह्मा जो पहला खुदा है वो शिवा के सामने जाहिर हुआ और उसने उससे वादा किया कि आंदा तुम्हारी तुम्हें भी कुर्बानियों में से हिस्सा दिया जाएगा, मतलब बांट का हिस्से का मसला था, तुझे भी कुर्बानियों में से हिस्सा देंगे, लिहाजा तू अब इस काम को गुस्से को जाने दे। लेकिन वो गुस्सा तो उसने ख़त्म कर दिया लेकिन बुखार जो था वो ज़मीन पर रहने दिया गया। तो ये है इनकी कहानी। उसके बाद ये इनकी दोबारा लड़ाई हुई है, ये इसकी बीवी फौत हो गई, इसकी फिर इसने लड़ाई की, उसके बाद किसी देवता की दाढ़ी इसने उखाड़ डाली, किसी की आंखें निकाल दी, किसी के दांत तोड़ दिए, दक्षा जो इसका ससुर था उसका सार काट दिया। तो ये सिलसिला है इनका खुदाओं का। इसके साथ साथ आप जहन में अल्लाह पाक की इस बात लाते जाएँ तो आपको पता चलेगा कि जो खुदा तआला के पर इतराज़ करते हैं या कुरान पर इतराज़ करते हैं, जो कुरान में जो खुदा सिफात हैं उस पर इतराज़ करते हैं हिंदू ख़ास तौर पर, तो उनका एतराज़ बनता नहीं है। जिसको कहते हैं ना कि पहले अपनी चारपाई के नीचे डंडा फेर लें वो, उसके बाद कुछ दूसरों को वो बात करें कि उनके कोई खुदा के तसव्वुर में कोई फ़र्क है। अब शिवा जो है एक तरफ वो खुदा है, बराबर का खुदा है, ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है, वो मौत के बाद दोबारा दूसरी शक्ल अदा करता है मरने वाले को, लेकिन अपना हाल ये है कि उसकी बीवी शदीद गर्मी से पार्वती वो परेशान हुई तो उसने अपने खावन से कहा कि गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है, यानी बेघर भी खुदा है, जहां हम चले जाएं और वहां रहकर अपने आप को, अब सुनते जाएं सफात इनकी, वहां रहकर अपने आप को आंधियों गर्मी और सर्दी से बचा सकें, मतलब खुदा को भी इन मौसमों से बचने की ज़रूरत है। शंकर खुदा ने जवाब दिया कि प्यारी मैं पनाहगाह से महरूम हूँ, मुस्तकिल तौर पर जंगलों में फिरने वाला हूँ, गर्मियों के दिन हमने दरख्तों की छाँव में गुजार दिए, अब काले काले बादलों वाला मौसम बरसात आ गया है। तो उसके बाद ये भी उसने कहा कि हमारे पास इतनी दौलत नहीं है कि हम मकान बना सकें, हाँ जी। तो जो उसकी बीवी थी उसने गुस्से और शर्म व हया के साथ ज़मीन को देखा और गूड़ा, तो इसने शिवा ने कहा कि हम किसी बादल का लिबास ओढ़ लेंगे और बारिश हमें फिर हम पर नहीं पड़ सकेगी। ये कहकर शिवा ने एक बादल को रोक लिया और जो दक्षा की बेटी थी पार्वती वो उसके अंदर हैश पजीर हो गई। इसी सबब से उसका नाम जमूला जमूला की तो बादलों के निशान वाला भी इसका नाम है, मतलब जो बात वो फजाइल बयान करते हैं, जो बात वो उसकी सिफत बयान करते हैं, वही उस पर इतराज़ है कि भाई साहब आप कौन से खुदा हैं जिसको रहाइश की ज़रूरत है, जो बेघर है, जिसके पास कोई इतने पैसे नहीं है कि वो अपना घर ही बना सके, तो दूसरों को क्या देगा। अब इसकी और ख़ूबी ये बयान उन्होंने किया कि शिवा और उसकी बीवी की घरेलू ज़िंदगी ज़्यादा खुशगवार ना थी, दोनों ही झगड़ते रहते। मसला क्या था, जिसको ये दुआ देता था उसको वो बददुआ देती थी,
जिसको वो दुआ देती थी उसको ये बददुआ देता था, ये इनका झगड़ा था। ख़ास तौर पर ये रावण को, जब रावण के साथ राम की जंग हुई है तो उस वक्त उसको ये पता नहीं कर रहा था राम, हालांकि वो भी खुदा है, विष्णु था वो, तो पता ये चला कि शिवा उसकी मदद कर रहा है। तो इसने शिवा के साथ जाके मीटिंग की कि यार उसका साथ छोड़ दो, हम उसको कत्ल करना चाहते हैं, उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, मेरी बीवी उसके पास है, उसने अगवा कर लिया। तो इसने उसकी मुज़ाकरात के बाद इसने हाँ कर दी। तो उसकी बीवी ने कहा कि वो तुम्हारा पुजारी है, तुम उसको कत्ल करने के लिए चल पड़े, कितने बेवफा तुम। और उसने फिर इसको इतनी ज़्यादा गालियाँ दी हैं, उसने कहा कि गालियों की बुछाड़ कर दी और कहा कि तुम मुरझाए हुए बुढ़े खोसट, नशावर जड़ी बूटियों का धुआं पीने वाला, कब्रस्तानों में फिरने वाला, बदन पर राख मलने वाला फकीर बना फिरता है तू, मैं भी तेरे साथ वहाँ पर जाऊँ, वो तो हमारा पुजारी है, उसको हम क्यों कत्ल करें। तो उसको फिर जनाब उसने इतना तैश आ गया कि ये करें वो करें, बहरहाल उसने बीवी को भी बना लिया, रावण को फिर उन्होंने कत्ल किया। तब जाके उससे रावण से इनकी जान छूटी, देवताओं की वो उससे तंग। और ये दुर्गा जो है, जब उसका नाम दुर्गा लेते हैं पार्वती का, उसी की बीवी उसका एक रूप दुर्गा भी है। तो वो कहते हैं कि वो अपने खावन से हसद करती थी, क्योंकि खावन जो था वो चकलों में फिरता रहता था, ये खुदा है, ये शिवा है, और ये भी है, रामायण में ये भी लिखा हुआ है कि दोनों में खौफनाक झगड़ा हुआ और खुदा ने अपने दोनों बेटों को मारा पीटा। हाँ जी, और ये जो बनारस में इसका आना है, इसको सजा मिली हुई थी शिवा को कि इसने जो अपने ससुर का सर काटा था वो ये उठाई फिरता था, ब्रह्मा का जो इसने पांचवा सर काटा था ना, इसको सजा ये मिली थी कि ब्रह्मा के पांच सर थे, एक इसने काट दिया, चार उसके बाकी रह गए, तो वो सजा ये थी कि वो सारे से अलग नहीं हो रहा था, हटाए फिरना पड़ता था इसको हर वक्त। फिर ये बनारस में आ गया शिवा, तो वहाँ पर आकर इसके गुनाह को माफ़ी इसकी मिली और ये अपना सर से इसकी जान छूटी, और इस वजह से वो कहते हैं कि बनारस शहर के मुकद्दस होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर हमारे खुदा को माफ़ी मिली। अब सुनते जाएं ये तसव्वुर खुदा, इसको महादेव भी कहते हैं वो। और हालात ये हैं कि एक जगह पर इन्हीं की आंखों के तस्वीर से, तीनों खुदाओं की आंखों तस्वीर से एक लड़की पैदा हो गई, उस लड़की को ये घूर रहा था और सबके सामने एक खुदा ने उसको गले से लगाने की कोशिश की, दूसरों ने उसे रोका, फिर उनकी लड़ाई हुई, फिर वो एक दूसरे से इतने ज़ोर से मिले कि वो दोनों एक हो गए। अब आपको ईसाई कीदा जो है कि तीन खुदा तीन भी हैं और एक भी हैं, उसकी जड़ें कहाँ पर आपको मिलेंगी कि ये तीन खुदा हैं, तीनों तीन भी हैं और तीनों एक भी हैं, एक तीन है, तीन एक है। तो वो कहता है दोनों देवता जब एक दूसरे से गले मिले तो वो एक हो गया, इस वजह से उन्हें हर हरि कहा जाता है। हरि वैसे खुदा को कहते हैं, लेकिन हर हरि जब कहेंगे इसका मतलब दो खुदा एक जगह पर हो गए, यक जान हो गए, मन तू शुद्धम तू मन शुद्धि वाला मामला हो गया। तो वो कहते हैं कि जनाब ये भी किस्सा हुआ उस लड़की को हासिल करने के सिलसिला में, ये भी खुदा है। शिवा को तीन आंखों वाला दिखाया जाता है। कहते हैं कि एक दफ़ा इसकी बीवी ने आकर प्यार से पीछे इसकी दोनों आंखों पर हाथ रख दिया और पूरी दुनिया इसके लिए अंधेरा हो गई। अब सोचें कि जो खुदा है उसकी आंखों पर कोई हाथ रख दे, उसको नज़र आना बंद हो जाए, तो वो खुदा नहीं हो सकता, मखलूक में से कोई होगा। कहते हैं कि फिर इसने अपनी ताकत के ज़ोर से तीसरी आँख, जो सूर्य से भी ज़्यादा चमकदार थी, वो पैदा कर ली और उससे पहाड़ झुलस गया, हर शह राख बन गई, और फिर जो इसकी बीवी थी वो मादरत उसने की कि जनाब मैंने तो मजाक में किया था। अब एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, आजकल भी उसका अखबारों में चर्चा आ रहा है, नंदीपुर जहाँ पर ये प्लांट लगा था बिजली का और उसका किस्सा, तो नंदी किसको कहते हैं वो भी सुन लें कि हर देवता का एक मखसूस सवारी है उसकी, वो परिंदा भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। तो इसका जो शिवा का जो सवारी है उसकी, वो है बैल, और उस बैल का नाम है नंदी। जो त्रिमूर्ति तीन खुदाओं वाली तसलीस का जो तीसरा रुकन है शिवा, उसकी जो सवारी है वो बैल है, उसका निशान बैल है और उस बैल का नाम है नंदी। इसलिए इसके मंदिरों के सामने अमूमन बैल की मूर्ति नजर आएगी। इसमें जो इसकी पूजा के लिए जो भी चीज़ सामने रखी होती है वो इसका बुत नहीं होता, ये वाह देवता है।
और हिंदू दुनिया में मुशरकाना मजाहब में वहद कौम है जिसने मर्दाना शर्मगाह को पूजा है। पूरी दुनिया में हर चीज़ की पूजा हुई है लेकिन किसी मुशरक कौम ने इसको नहीं पूजा था। इन्होंने शिवा जो है उसका पूजा के लिए जो निशान मुकर्रर किया है वो मर्दाना शर्मगाह है और उसको शिवलिंग कहते हैं। और जो लोग इसके अलामती मफहूम को नहीं जानते उनको ये कहते हैं कि भाई ये मर्द और औरत के अज़ाए तौलीद की नुमाइंदगी है, मर्द की शर्मगाह और औरत की शर्मगाह दोनों सामने रख कर ये शिवा की पूजा करते हैं। इसके बारे में ये है कि इसको इसका नुमाइंदा बनाया कैसे गया, क्यों बनाया गया ये, तो उसके लिए कहते हैं कि इस बारे में बहुत सी हकायात हैं। इम्कान इस बात का नहीं है कि यह तसव्वुर हिंदुओं में कहीं बाहर से आया, क्योंकि आज के तरक्की याफ्ता इल्मुल असना माइथोलॉजी किसी भी कौम की जो कहते हैं हमारे पास है उसकी रोशनी में जो भी पढ़ा है लोगों ने उसके बारे में उसके बाद ये कह सकते हैं पूरे वसूख से कि लिंगम पूजा का तसव्वुर दुनिया की किसी और कौम में नहीं पाया गया। किसी मुशरक कौम ने हर चीज़ पूजी है लेकिन इसको नहीं पूजा किसी ने, तो ये इस कौम में सिर्फ पाया गया है। उसकी वजह कि एक देवता है ब्रिगो, उसकी बदवा थी इसे। मसला ये था कि ये तय करना था कि तीन खुदाओं में बड़ा कौन था, तो जब वो ऋषि जो दरवेश जिसकी ड्यूटी लगाई गई बतौर जज और सालिस, अब खुदाओं का फैसला दरवेश करेंगे, तो वो इसके घर जब शिवा के पहुंचा तो उसे अंदर नहीं दाखिल होने दिया उसको किसी ने। उन्होंने कहा कि देवता अपनी बीवी के पास आराम कर रहा है। उसने कुछ देर तो इंतज़ार किया, अब दरवेश की दरवेशी भी देख लें कि फ़ौरन ही उसने सब्र का दामन हाथ से छोड़ दिया और उसने कहा कि चूंकि तुमने मुझे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी, अपनी बीवी के पास बैठो, अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी, अब तुम्हारे दोनों निशानों की पूजा होगी। हाँ जी, तो वो कहते हैं कि लिंग पूजा बहुत से दूसरी जगह लिखा हुआ है, ये वामन पुराण है, 18 में से एक पुराण का नाम है वामन। तो वो कहते हैं कि लिंगा पूजा जो है बहुत से दरवेशों की बददुआ का नतीजा थी। तो इसने जो दरवेश थे उनकी बीवियों को फंसा लिया था, उन दरवेशों ने दी इसको बददुआ और इसको कुव्वते मर्दानगी से महरूम कर दिया और उन्होंने कहा कि तू तो फारग हो गया, अब तेरे उजब की पूजा सिर्फ होगी। उन्होंने कहा, फिर इसने उनकी मिन्नतें की तो उन्होंने कहा कि हम अपनी फटकार वापस लेते हैं और इस शर्त पर कि तेरी पूजा नहीं होगी, शर्मगाह की पूजा होगी। तो ये इंसान, ये देवताओं और इंसानों दोनों के लिए अब ये वो लिंगम ही उनके लिए देवता बन गया। अब इसके जो मुख्तलिफ नाम आए हैं, आपने बहुत सारे ये हिंदी जो नाम सुनने वाले हैं या हिंदुस्तान में जो रहे हैं या उनके वो प्रोग्राम वगैरह देखते हैं उनको ये नामों से, उन्होंने नाम तो ये सुने होंगे आपसे, महेश्वर, महेश आपने नाम सुना होगा, महेश्वर बहुत बड़ा खुदा, ईश्वर अजीमुशान, चंद्रशेखर माथे पर निसफ चांद सजाने वाला, श्रीकांत जिसको श्रीकांत भी आप नाम सुनते हैं लोगों का, खूबसूरत गर्दन वाला, गंगाधर वो जो दरिया गंगा को अपने बालों में रखता था, इसके 1000 से ज़ायद नाम है इसके, और भगवत आका को कहते हैं, ईशान हाकम को कहते हैं, महाकाल बड़ा वक्त है, त्रियंबका तीन आँखों वाला, इसके मुख्तलिफ नाम है। और एक इसकी और सूरत भी है, उसको कहते हैं पंजानन, पाँच चेहरे वाला। इसमें जो है बीमारी से शफा हासिल करने के लिए इसके जिस बुत की पूजा होती है उसको कहते हैं पंजानन, पांच चेहरों वाला, और वो बुत नहीं होता, कोई आम पत्थर लेके उस पर सुर्ख रंग मल दिया जाता है और एक दरख्त के नीचे उसको रख दिया जाता है, उस पत्थर से ही औरतें औलाद मांगती हैं, उसी से दूसरी मुरादें तलब की जाती हैं और बीमारी के दिनों में उस पर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। और आम अकीदा यह है कि मरीज़ जो है उस पर पंजानन का असर हो गया है और जब चढ़ावे देकर उसको खुश कर लिया जाता है तो उससे मरीज़ को छोड़ने की दरख्वास्त की जाती है, जब बीमार शफा याब हो जाता है तो कहा जाता है कि पंजानन रुखसत हो गया। ये है इनके देवता जो तीसरे रुकन हैं उसके तसलीस के। आगे इसकी बीवी का है वो, उसका कुछ तो उसका गुजर गया तारफ, कुछ ये है कि हमालिया पहाड़ जो है उसकी हुई दो बेटियां,
एक का नाम उमा था और एक का नाम गंगा था। गंगा दरिया बन गया, एक बेटी ने दरिया की शक्ल इख्तियार कर ली, वो भी देवी है, इसीलिए उसका पानी मुकद्दस और पाक है और उस गुनाहों को धोने वाला है। तो एक बेटी उमा जो थी वो देवी बन गई और उसकी शादी इससे शिवा से हो गई। तो ये इनके जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं मुशरकीन की, और जो हमारे भाइयों को बहुत गलत फहमी हुई कि मुशरक जो थे वो पत्थर पूजते थे, वो फलां करते थे, वो करते थे, पत्थर नहीं वो पूजते थे, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं हुआ दुनिया में। वो जिस चीज़ को पूजते थे वो चीज़ किसी ना किसी जी शऊर हस्ती का निशान थी, चाहे वो सादा पत्थर, जैसे अभी पंजानान का मैंने जिक्र किया, एक सादा पत्थर उठाया, उसको धोया, उस पर सुर्ख रंग किया, एक दरख्त के नीचे रखकर उसकी पूजा शुरू कर दी कि ये पंजानन का निशान है, अनगढ़ा पत्थर जिसको कहते हैं। मूर्ति हो सकती है, पत्थर की मूर्ति हो सकती है, तांबे कांसी सोने चांदी लकड़ी किसी चीज़ की भी मूर्ति हो, मिट्टी की मूर्ति हो सकती है। तो मुशरिक दरख्त को पूजे, किसी जानवर को पूजे, किसी चीज़ को पूजे, किसी बुत को पूजे, किसी तस्वीर को पूजे, तो उसका मकसद सिर्फ उसके पीछे एक जी शूर हस्ती को पूजना होता है। और वो कहते हैं कि वो समझते हैं, उनका अकीदा है कि ये चीज़ जो है फलां देवता या देवी का ये निशान और अलामत है। मसलन गर्च है, इसको लोग पूजते थे, चमक को, बिजली की चमक को पूजते थे, बादलों को पूजते थे, ज़मीन को माँ समझ के पूजते थे, आसमान को बाप समझ के पूजते थे, हर चीज़ को उन्होंने पूजा, लेकिन किसी ना किसी चीज़ का निशान समझ कर, उस चीज़ को बराए चीज़ नहीं पूजा। ऐसा नहीं हुआ कि वो समझे कि ये पत्थर है और कुछ भी नहीं है उसको पूजें, ऐसा नहीं। उन्होंने किसी ना किसी चीज़ का निशान उसे माना, उसके बाद उसे पूजा है। तो जो हमारे दोस्त ये कहते हैं कि एक मुशरक तब बनता है, शिरक तब बनता है जब किसी में मुस्तकिल तौर पर उसकी ज़ाती खसूसियात और ज़ाती कुदरत समझ के उसको पूजे, ऐसी बात नहीं है। आपने तीनों खुदाओं का जिक्र इनका पढ़ा, ब्रह्मा विष्णु शिवा उनकी बीवियाँ उनके देवियाँ उनके देवता, तमाम के तमाम मखलूक भी हैं, किसी के बनाए हुए हैं, मौलूद भी हैं, पैदा हुए हादिस हैं कि पहले नहीं थे अब ये शक्ल में आए। उनकी जो ताकतें हैं वो आपने सुना तीनों के तारुफ में कि तीनों की ताकतें, किसी के पास कोई ताकत नहीं है, किसी के पास कोई ताकत नहीं, और सारे देवता मिलकर मुश्तरका दरख्वास्त देते हैं जाकर किसी दूसरे खुदा को कि फलां जो गैर देवता उसने हमें तंग कर रखा, रावण ही है मिसाल के तौर पर, वो देवता नहीं है, जो लंका का बादशाह था वो देवता तो नहीं था, वो उसको जिन भी कहते हैं, उसको कुछ भी कह लें, देवता नहीं था वो। वो कहते हैं जी उसी एक ने हमें नाकों चने चबवा दिए हैं उसने, तो वो सारे के सारे मुश्तरका दरख्वास्त लेके उसके पास जाते हैं। तो इससे पता चला कि उनकी ताकतें मुस्तकिल नहीं हैं, ज़ाती नहीं है, वो हमा दान नहीं है, उनके पास इल्म भी नहीं है। वो पूछता है, सामने से जुलूस जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि मेरे ससुर ने दावत की है, खुदा है। तो बात यह है कि जो हमारे दोस्त ये कहते हैं कि शिरक तब बनेगा जब किसी में मुस्तकिल कुदरत, मुस्तकिल इल्म, मुस्तकिल इख्तियार समझे, तो ये बात उनकी दुरुस्त नहीं है। पूरी दुनिया के जितने भी मुशरिक हैं, हिंदुज़म यूनानी, उनके तमाम देवता मखलूक हैं, मौलूद हैं, बाल बच्चों वाले हैं। मिस्र के तमाम देवता मखलूक हैं, मौलूद हैं, वो मानते हैं कि ये पैदा हुए थे, फलान का बाप है, फलान की माँ है, मौलूद हैं, पैदा हुए थे, मखलूक हैं, किसी के बनाए हुए हैं, बाल बच्चों वाले हैं, घर बार वाले हैं, रिश्तेदारियों वाले हैं। तो जितने भी दुनिया में पूजे गए, अब जो इसके अरब के देवता थे उन सबका भी यही था, लात मनात सबसे बड़े तो यही थे ना, तीनों लात मनात और उज़्ज़ा, तीनों को वो खुदा की बेटियां कहते हैं, मखलूक मानते थे वो कि खुदा की मखलूक है, मौलूद है, जब बेटी कह दिया मौलूद है, पैदा हुए, बॉर्न है वो, मखलूक का मतलब क्रिएटेड है, मौलूद का मतलब बॉर्न है, वो पैदा हुए थे। तो जितने भी मुशरिक हुए हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने किसी अपने देवता को वाजिबुल वजूद नहीं माना कि ये वो वहदहू ला शरीक ला, वो नहीं है ये, वो कहते हैं उसके तहत है, उसकी बनाई हुई मखलूक है, ये उसका प्यारा है, उसने इसको इख्तियारात दे दिए हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर्स इसको कहते हैं, ये वो मानते हैं सब। और इसकी सबसे बड़ी जो हदीस जो है इस सिलसिले में, वो सबसे बड़ी दलील और सबूत है, वो है इनका मुशरकिन का, अरब के मुशरकिन का जो हज का तलबिया था, वो कहते थे कि ला शरीक लक, हजूर यहाँ पर कहते थे बंद कर दे, यहाँ पर रुक जा, इससे आगे ना पढ़, लेकिन वो पढ़ते थे
सवाए उसके जिसको तूने अपना शरीक बना लिया, और वो किसी चीज़ का मालिक नहीं, उसके पास जो कुछ है वो उसका मालिक तू है। तो सारे के सारे जाती नहीं मानते थे, अताई ही मानते थे। लिहाजा ये गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए कि भाई मुशरिक या शिरक तब होता है जब किसी में मुस्तकिल माने नहीं, वो सब के सब अपने देवताओं में सारी खसूसियात सारी ताकतें अताई मानते थे, और अता जिसकी है उसका नाम ही उन्होंने ब्रह्मा लिखा, ब्रह्मा ब्रह्म जैसे होता है। वो कहते हैं कि वो अकल समझ से परे है, ना उसकी कोई सूरत है, ना कोई उस जैसा है। ये हिंदू कह रहे हैं, ना कोई उस जैसा है, ना उसके कोई जिद है, ना उसकी तरह का कोई है। उसके बारे में कहते हैं ये हम कुछ नहीं कह सकते, वो एक है, ना उसका माँ है, ना बाप है, ना कुछ है। लेकिन उसकी आगे ये शक्लें हैं तीन, और उन तीनों के आगे फिर बहुत सारे देवता हैं, आगे इनके दर्जे भी हैं, दर्जा दोम के देवता, दर्जा सोम के देवता भी हैं, उनकी सवारियाँ भी हैं, सारा कुछ है। वो भी इंशाल्लाह अब चंद प्रोग्रामों में इसको समेटेंगे, क्योंकि ये खुद बताते खुद इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है कि इस पर तो सालों गुजर जाएंगे, क्योंकि एक एक इनकी किताब में 6-6 लाख अशार हैं जिसमें ये सारा इनके किस्से लिखे हुए हैं। तो इसको हम मुख्तसर करके 3-4 प्रोग्रामों में इसको मुकम्मल कर देंगे हिंदुज़म को, ताकि इसका एक तारफ लोगों के जहनों में आ जाए, इसकी जो असर पजी, इसकी असर अंदाजी की जो सलाहियत है कि ये इतना मुअसर मज़हब रहा है 5000 साल से, इसने बहुत सारे मज़हब को इसने असर भी डाला और उनको खा भी लिया है। इसकी मुफाहमती पॉलिसी नहीं, इस्लाम जो है ये मुफाहमत नहीं करता, कि अपना वजूद बरकरार रखा इसने, ये इससे इसके असर से बच गया। इस्लाम ने इस पर असर डाला है, इस्लाम पर यह असर नहीं डाल सका। मुसलमानों पर ज़रूर हिंदुओं का असर रहा है कि जो भी लोग उधर से आए हैं वो लोगों ने उनकी रसूमात को इस्लामी बना लिया है, उसका जो है ना नाम उन्होंने बदल लिया। जैसे कि 25 दिसंबर को रूमी जो थे वो सूरज देवता की पूजा किया करते थे, तो जब कुस्तनतीन ने ईसाइत कबूल किया तो उसने ये शर्त लगाई थी कि 25 दिसंबर का हम त्यौहार मनाएंगे। उन्होंने कहा त्यौहार आप मनाएं लेकिन उसको यीशु मसीह के नाम कर दें, हालांकि किताबों में लिखा हुआ कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि यीशु अलैहिस्सलाम किस दिन पैदा हुए थे। इसलिए कोई मई में उनका मिलाद मनाता है, कोई जनवरी में कलीसिया मनाती हैं, और कुछ आम जो हैं वो 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो बात यह है कि जो गैर मजहबी त्यौहार थे, जो मुशरकाना त्यौहार थे, उनमें रौनक मेला इतना था कि लोगों ने उनको छोड़ना गवारा नहीं किया, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं की, उनको उन्होंने अपने मज़हब की कोई रस्म बना के उन्होंने जारी कर लिया, और उसके बाद वक़्त गुजरने के साथ साथ उसको अथेंटिसिटी हासिल हो गई कि जनाब ये एक मुस्तनद बात है, इतने 100 सालों से हो रही है, इतनी सदियों से हो रही है, इतने हमारे बड़े बड़े इतनी तादाद में लोग इसको करते आ रहे हैं, तो ये सही होगा। लेकिन जब भी इल्म की बात होती है तो फिर वो किताब में लिख देते हैं कि 25 दिसंबर हज़रत यसू की पैदाइश का दिन नहीं है। तो ये हैं किस्से, कहानियाँ, रसूमात जो मुशरकाना मज़ाहब में एक से दूसरे पर वो असरअंदाज होते रहे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहे, और वो ख्यालात जो थे वो दूसरों ने भी अपनाए, और सब मुशरिक जो हैं वो तकरीबन उनके ख्यालात एक जैसे होते हैं, जैसे तमाम मुवाहिदीन जो हैं तौहीद परस्त हैं उनके ख्यालात एक जैसे होते हैं। तो ये तीनों खुदाओं का तारफ आज मुकम्मल हो गया। इससे सबसे पहले हमने ब्रह्मा जो वाहदहु ला शरीक है उसका तारफ कराया था कि हिंदुज़म में उनकी क्या सफ़ात बयान हुई हैं, उसके बाद ये त्रिमूर्ति जिनकी तसलीस है, और इनकी तसलीस को ये तसलीस ही को मानते हैं, इनकी जो सरकारी मोहर है उस पर 3 चेहरे बने हुए हैं, इनका जो झंडा है उसमें 3 रंग हैं। तो जब भी ये बात करेंगे ये त्रिमूर्ति की बात करेंगे, और जब भी ये उससे वो यहाँ पर वो तिलक लगाते हैं वो भी 3 लाइनें होती हैं। तो ये तसलीस के मानने वाले हैं, यहीं से तसलीस जो है वो यूनान में गई है, मिस्र में गई है, ईसाइयों में आई है, और मुशरकीन अरब में आई, कि वहाँ पर भी लात मनात और उज़्ज़ा 3 ही थे, बाकी सारे तो उनके कबीलों के अपने थे। तो जो छोटे देवता हैं वो सब मानते हैं कि छोटे देवता होते हैं, लेकिन बड़े देवता अमूमन 3 ही माने गए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमाए, और जो सही तसव्वुर खुदा दीन इस्लाम ने बताया है उसको समझने की तौफीक अता फरमाए, और उसके मुताबिक अपने आप को डालने की तौफीक अता फरमाए। वमा लना इल्ला बिललाह।